जी भावना का जो जर्नी जहाँ से शुरू हुई इट बिगैन विद शोइंग हर प्लाइट एज अ विडो कि एक औरत जब अपना पति खो देती है तो उसके ऊपर क्या बीतती है, सोसाइटी उसे कैसे ट्रीट करती है, उसके अपने जिन्हें वो समझती थी कि अपना परिवार है, अपने भाभी जेठ भाई बहन है, वो सब कैसे बदल जाते पति के जाते, तो वो वाला हम लोगों ने एक पहलू दिखाया व्हेन वी बिगन द शो। एंड वो जब हम लोगों ने शुरू किया तो थोड़ा सा वो था कि पता नहीं लोगों को इतना हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट पसंद आएगा, देख पाएंगे या नहीं, लेकिन जब मेरे को रिस्पॉन्स आया इतने सारे मेरे फैंस ने जिन्होंने लिखा कि वी कैन रिलेट टू इट, जो पीपल हु हैव गॉन थ्रू इट, तो दुख भी बहुत हुआ और खुशी इस बात की हुई कि हम लोगों में इतने गट्स थे कि हम ऐसा एक सब्जेक्ट सबके सामने लेके आ पाए। देखिए एज एन एक्टर हम दो चीज़ें करते हैं, जब हमें कोई सीन मिलता है मैं क्या करती हूँ, या तो मेरे साथ कोई ऐसे सिमिलर सिचुएशन हुई होगी उसको याद करके इमोट करती हूँ, या फिर मेरे आसपास किसी को मैंने देखा हो जो हु हैज़ गॉन थ्रू दिस सिमिलर काइंड ऑफ ए सिचुएशन उसको याद करके इमोट करती हूँ। तो जब भावना का जब ये कैरेक्टर मुझे मिला, आई न्यू फ्यू पीपल, नॉट वन बट टू थ्री पीपल आई न्यू हु हैव गॉन थ्रू दिस सिचुएशन, एंड उनके बारे में सोच के आई कुड इमोट बिकॉज मैं उनको क्लोजली जानती हूँ। तो यस आई हैड सम चैलेंजेस बिकॉज मैंने आई हैव नॉट फॉर्चुनेटली गॉन थ्रू दिस सिचुएशन बट आई हैव नोन सम पीपल, सो उस वजह से मैं आई कुड ईजिली गेट इन टू द कैरेक्टर। जी 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 हमें ये हमारा थ्रू आउट ये मैसेज था ऑडियंस को कि पहले हम लोगों ने भावना का कैरेक्टर ऐसा डरा डरा सहमा सहमा दिखाया कि ये जितने भी विमेन हैं जो इस चीज़ से रिलेट कर पाती हैं, अब जो भावना को दिखाया है अब उन विमेन के लिए मैसेज है कि भावना अगर ट्रांसफॉर्म हो सकती है, भाव